या बातमीचे प्रायोजक आहेत अल कयूम बिर्याणी हाऊस, मुल्तानी बेकरी, होडगी रोड, सोलापूर। युवा नेते वाहिद विजापुरे यांच्या वतीने सर्वधर्मीय ईद मिलन कार्यक्रम माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे व आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला। सोलापूर शहर मध्य विधानसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष जेबी ग्रुपचे संस्थापक वाहिद विजापुरे यांच्या वतीने शास्त्रीनगर येथे सर्वधर्मीय ईद मिलन कार्यक्रमाचं आयोजन माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे साहेब व आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आलं होतं। त्यावेळी सर्व मान्यवरांनी सर्वधर्मीयांना शुभेच्छा दिल्या व उपस्थित सर्व मान्यवरांनी व नागरिकांनी शुरखुर्मा व फराळाचा आस्वाद घेतला। तसेच यावेळी सर्व धर्मगुरू, पत्रकार आणि मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। त्याचप्रमाणे MIMचे कट्टर समर्थक शब्बीरबाई फुलमामडी रहमान मडकी यांनी आपल्या समर्थकांसह काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला। यावेळी बोलताना माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे म्हणाले की देशात हे सर्वधर्म समभाव हे सूत्र अंगीकारून आजपर्यंत सर्व समाज एकत्र नांदत होते, पण अलीकडे राजकीय फायद्यासाठी जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न राज्यात सुरू आहे। प्रयत्नांना बळी न पडता समाजात एकोपा कायम राखूया। आज वाहिद विजापुरे यांनी सर्वधर्म समभाव जपण्यासाठी हा ईद मिलन कार्यक्रम घेतला, त्यामुळे सोलापूर शहरात जातीय सलोखा राखण्यासाठी निश्चितच मदत होईल। यावेळी आमदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की सोलापूर हे बहुभाषिक शहर आहे, खऱ्या अर्थानं भारत देश इथे वसलेला आहे। सर्व समाज गुणागोविंदानं एकत्र राहतात, एकमेकांच्या सुखदुःखात, एकमेकांच्या सणासुदीत, उत्सवात सहभागी होतात। अशा या ईद मिलन कार्यक्रमामुळे एकात्मता वाढीस लागते। या ईद मिलन कार्यक्रमासाठी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, लिंगायत समाजाचे मानकरी राजशेखर हिरे हे भू शिवधर्म समन्वयक गोवर्धन गुंड, मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू हाफिज मेहबूब नदाफ, ख्रिश्चन समाजाचे फादर योहान काने पागुल, गुलबर्गा काँग्रेस अध्यक्ष मकबूल पटेल, पप्पू पटेल, माननीय नगरसेवक चेतन नरोटे, संजय हेमगड्डी, बाबा मिस्त्री, रिया झुंडेकरी, तौफिक खत्तुरे, विनोद भोसले, युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे, अंबादास बाबा करगुळे, तिरुपती परकी पंडला, हसीफ नदाफ, पीर अहमद कुरेशी, सादिक कुरेशी, जुबेर कुरेशी, रफिक चकोले, इम्तियाज मुतवल्ली, इरफान कुरेशी, हसन जमादार, सोहेल कुरेशी, चौबल मनसावाले, आनंद मनसावाले, दाऊद मुजावर, मुबीन शेख, शाहजवान शेख, मुर्तज कुरेशी, मोहसिन कुरेशी, शोहेब महागामी, रेहान मुंडेकरी, विजयालक्ष्मी सायबोलू, फरीदा आपा कुरेशी, शबाना बागवान, राजेश मनसावाले, रोहित मनसावाले, गणेश मनसावाले, राजू आंबेवाले, गजराज तुक्कूवाले, अजय मनसावाले, जीवन घनेवाले, लक्ष्मण बाडीवाले, जैनुद्दीन शेख, अनवर पणिबंद, सोहेल बागवान यांच्यासह सर्वधर्मीय नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। और जिनके आमंत्रण से मैं यहाँ आया हूँ, भाई विजापुरी जी, उनके सभी कार्यकर्ता, मंच पे बैठे हुए सभी धर्मगुरु, वक्त कम है, सबके नाम लेना टाइम जाएगा, और साथियों, आज भाई जी ने ईद मिलन का कार्यक्रम यहाँ लिया है। बहुत दिन से चाहते थे कि हम लोग यहाँ आए। प्रणिति तो हमेशा आती है, कल भी यहाँ आई थी। मैं प्रणिति को बोला था कि उनको भाषण करो, बोले मैं कल ही यहाँ भाषण की हूँ तो आप थोड़ा बोलिए। तो वाहिद जी गए 6 महीने से मेरे साथ है, मैं उनका काम देख रहा हूँ। एक लड़वैया कार्यकर्ता जो जहाँ भी कुछ जरूरी है वो वहाँ जाता है और अपने पार्टी का काम करता है। अभी भी जिस तरह से उन्होंने भाषण किया, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसा ही काम करो और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तभी मेरे बहुत सारे साथी है, हमारे कांग्रेस के प्रमुख वाले साहब है, हेमगड्डी साहब है, ये बहुत सारे लोग है, लेकिन सबके नाम लेना जरूरी नहीं है। तो यहाँ इतने छोटे से जगह पर इतने बड़े तादाद में लोग आए, यानी इसका मतलब ये है कि सब धर्मगुरु एक समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं और वो सब इकट्ठा करके अपने ये समाज को तोड़ना नहीं चाहते। कल भी मैं खट्टूदेव जी के वहां था, वही बातें हो गई परसों दिन, और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं।
मुझे जरा कहीं जाना है, वक्त नहीं है, बोल के मैं बोल के चले जाऊंगा। आप रहने वाले हो प्रणीति ताई? हाँ, बस प्रणीति ताई रुकने वाली है, वो आपसे बात करो फिर बात तो करेंगे। लेकिन मैं वाहिद जी को और उनके सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अभी लिंगायत समाज के भी धर्म गुरु आए हैं, वो भी हमारे को साथ काम करें और की जाएगी। जितना आप उनको मदद करेंगे उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी। कभी मेरे माँ बहनों का सोचिए और वोट डालिए। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे 3 महीने के बाद, मैं इतनी ही आपको तहे दिल से गुजारिश करती हूँ कि कांग्रेस को सचमुच जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, चाहे वो वाहिद भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं पता नहीं कि कौन कैंडिडेट होने वाला है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जात पे ना पात पे, सुनानी हो रहा है शिवकुमार और 2-3 बार पे हो, ना जात पे ना पात पे, पीछे वालों, ना जात पे ना पात पे, लगाओ हाथ पे। नहीं नहीं, फिर भी नहीं सुनेंगे ना, क्या शो है इतना क्या आज बिरयानी में, ना जात पे ना पात पे, हे विसरू नका एवढंच मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगते। आणि वाहिद भाई, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया, जो आपने कांग्रेस पार्टी के लड़ाई की मेरे इलेक्शन में, अब वो मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, ना साहब भूलने वाले हैं, हम सबको याद रहेगा और हम भी सब आपके साथ हैं। आपके माध्यम में से बहुत सारे गोर गरीबों का काम हो, ऐसे में दुआ करती हूँ और यहीं पे रुकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलन के मौके पर सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई और एक हिंदू मुस्लिम के झुंड के एक चुटुंबे का एक किया कार्यक्रम, हमारे इस छोटे कार्यक्रम में हमारे माजी गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे एक बात बोलने के बाद इस दावत को कबूल करें, मैं साहब का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सारे सम्राट आमदार प्रणीताई शिंदे का भी मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे अफजलपुर के जो मेहमान है मकबूल पटेल साहब जी, इनका भी मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और अफजलपुर के पप्पू पटेल साहब जी, इन्हें भी आया स्टेज पे, हमारे गठ नेता चेतन भाई भगत है, बाबू भाई मिस्त्री और हमारे संजय हमदर्दी सर और हमारे रियाज भाई मुंडीकरी सर और हमारे विनोद भोसले, बाबा भाई करगुड़े, गणेश भाई डोंगरे और हमारे धर्मगुरु तीनों एक मुस्लिम समाज के, एक जैन समाज के और हमारे क्रिश्चियन समाज के धर्मगुरु का मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमारे शास्त्री नगर में हमारे आमदार प्रणीत ताई शिंदे एक ईद मिलन कार्यक्रम पे इतने सभी हर समाज के एक पैगाम देने के लिए आज एक दिखाए हैं, मैं सभी हमारे एक बात बोलने के बाद सभी हमारे माँ और बहने दावत को कबूल करें, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ताई एक जो 70 रुपये फूल मांग रही है वो हमारे के बहुत ही कट्टर थे, इनको बोलने के बाद एक जबान पे वो कांग्रेस पर प्रवेश करे, क्योंकि आमदार प्रणीत ताई शिंदे ने सोलापुर शहर मध्य में काम करते, काम के नाम पे वोट मांगते, लोगों के साथ ने कोई कहा से आके वोट मांगते हो पता नहीं, ये तो मैं हमारे नेता के काम के ऊपर ही यमन छोड़ के मैं भी कांग्रेस से परेश हुआ था, जो हमारे ताई ने जो हमारे ऊपर भरोसा दिखा के इस शास्त्री नगर में कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की नीति थे, मैं हमारे ताई का दिल के गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ताई काम करके वोट मांगते हैं, ताई गोर गरीब के साथ में है, ताई की जितनी भी तारीफ करें तो कम है, क्योंकि हम आज से देखते हैं जो गरीब जो खाने खाने को मोहताज है, जो आज इनके घर को टपा जाता है ताई का, वो ताई का दिल से दुआ देते हैं। यहाँ पे पीने का पानी का मसला 10 साल से मसला था, हमारे ताई को एक बार बोलने के बाद वो जो हमारे माँ बहने इतने दिल से दुआ दे रहे हैं ताई को, क्योंकि पानी एक तो इतने पैर इतने छूट लगा के लेना बनता था, आज घर बैठे तक बिगड़ मोटर के घर को पानी आ रहा। मैं हमारे नेता आमदार प्रणीत ताई का शिंदे
करेगा। मैं इस शांतिनगर में चाहिए अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद ये शांतिनगर में पूरा कांग्रेस ही कांग्रेस हो जाएगा। जो ये चंद लोग आज जो गड़बड़ कर रहे हैं, बस क्योंकि एक तरफ से वोट मांगने से कोई 10-12 नगर से वाले से कुछ भी नहीं हो गया। ये हमारे कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हर धर्म को लेकर चलने वाली है। मैं सभी हमारे युवकों से हाथ जोड़ को विनती करता हूँ कि सभी मेरे माँ और बहने, सभी मेरे दोस्त इस कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को तुम लेके चलना चाहिए। हमारे शिंदे साहब का मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे मुची समाज है, जो हमारे हिंदू समाज है, जो साड़ी समाज है, लूधी समाज है, सभी हमारे भाई एक बार बोलने के बाद दावत को कबूल करें। मैं सभी मेहमानों का, सभी स्टेट में सभी हमारे दोस्तों का मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने जगह लेता हूँ। जय जय महाराष्ट्र। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चैनल ला सब्सक्राइब करा।